सो गाइस, हम आ चुके हैं आज बहुत दिनों के बाद लाइव आ चुके हैं एंड अब बात करने वाले हैं मल्टीपल अपडेट्स के बारे में। तो लेकिन सबको आवाज़ आ रहा है कि नहीं? कोई आ जाए तो पहले अच्छा होता। चलिए हम शुरू करते हैं किसी बिना देरी के। एंड जितने भी टॉपिक्स मैंने अपडेट किए थे एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको मैं बताने वाला हूँ एंड उसके अपडेट भी दूंगा। एंड जो क्वेश्चन होंगे, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको उनके आंसर भी मैं देने वाला हूँ इसी लाइव में। एंड जो भी मुझसे कॉमेंट में पूछ रहे थे काफ़ी सारे अपडेट्स के बारे में, एंड उनके जवाब में देने वाला हूँ भी, ठीक है? तो इस लाइव के अंदर में काफ़ी कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड यार, इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, ठीक है, कोई नहीं, पर आवाज़ पहुँचता होगा तो कोई भाई बता देना। तो हम तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल जो भी अपडेट्स है। तो जैसे कि द लेजेंड ऑफ वॉक्स मकीना सीजन 3 के ऊपर कमेंट्स आ रहे थे मेरे चैनल पे एंड मैंने उधर बताया था, कमेंट बॉक्स का रिप्लाई भी मैंने किया था। बट यहाँ पे जितने फिर से मैंने रिसर्च करे हैं तो उसके अनुसार अभी फ़िलहाल कोई नया ऐसा रिपोर्ट नहीं आया है। एंड रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो पुराने आर्टिकल्स है वही हमें दिखाए जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। एंड अगर कहेंगे तो मैं अभी दिखा भी देता हूँ एंड आपको, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्विकली दिखा दे रहा हूँ। आपके स्क्रीन पर शायद शो कर रहा होगा बट यहाँ पर तो मुझे पता नहीं, अगर शो कर रहा है तो मुझे बता दीजिएगा। बट मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर, मैंने अपडेट के लिए किया था तो यहाँ पर जैसे कि पुराना जो रिपोर्ट है वही दिखाया जा रहा है। एंड IMDB के ऊपर ये 14 जनवरी का ही है, आपको दिख रहा होगा न्यूज़ है। बट यहाँ पर दिख रहा है वह प्रीमियर सीजन 2 और सीजन 2 जनवरी महीने में हुआ था उसका बता रहा है। बट सीजन 3 के लिए अभी कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड पॉसिबिलिटी जो कमिंग सून एनिमेशन एंड वो भी इसके IMDB के ऊपर अब दिख जाएगा। चलिए देखते हैं आप अंदर में क्या है इसके। फिलहाल तो जो रिपोर्ट यहाँ पे तो न्यूयॉर्क कॉमिकॉन में था ना, इसका सीजन 3 का तो अनाउंसमेंट कर दिया गया था काफ़ी पहले, बट यहाँ पे अभी तक हमें सीजन 3 का लाभ पता है और आता पता इसका कुछ नहीं है, ठीक है? तो जैसे कि हमें पता है अभी लाभ पता है, ठीक है? इसके सिमिलर न्यूज़ के भी ऊपर देखते हैं तो कुछ 3/24 के अंदर देखने को मिल रहा है आर्टिकल्स। एंड इसका भी कुछ खास नहीं है बट कास्टिंग की यहाँ पर बात हो रही है, जस्ट लाइव एक्शन की बात हो रही है तो ये कुछ खास नहीं है। बट दूसरे आर्टिकल्स देखते हैं, जो मेरा काम है भाई बताना, अपडेट देना, तो सीधे सीधे क्यों ना उसी पे बात ही कर रहे हैं। 20 फरवरी 2024 के द डायरेक्टर, देखते हैं इस पर क्या न्यूज़ आया है। एंड काफ़ी सारे मीडिया आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं तो ये 20 फरवरी 2024 के, तो इस पर देखते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि नए आर्टिकल्स हैं।
के अनुसार द लेजेंड ऑफ वॉक्स मकीना सीजन 3 रिलीज डेट प्रोडक्शन प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है कि नहीं। ये न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन इन अक्टूबर 2022 प्राइम वीडियो वैरायटी अनाउंसमेंट सीजन। अच्छा ये तो पहले से ही हो चुका है, ये पहले अनाउंसमेंट काफ़ी पहले से हो चुका है, जो कि मैंने एक वीडियो भी बना के मैंने बताया था, दो तीन वीडियो खास कर बनाया था, एंड जो अपडेट्स थे बीच बीच में नए आए थे उसको इंक्लूड करके मैंने वो बताया था। ठीक है तो फिलहाल अभी तो ये देख लेते हैं इस आर्टिकल को। अर्ली 2024 प्रीमियर, ठीक है यहाँ पे भी मैंने जो बताया था अर्ली, तो ये जो कि उस रिपोर्ट के अनुसार और इस रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं है, अर्ली ही बताया जा रहा है 2024 में, बट यहाँ पर तो अर्ली के पॉसिबिलिटी अभी बाकी है। इसके अनुसार जनवरी महीने में वो भी बताया जा रहा था, लेकिन इस 2024 के अंदर में जनवरी महीने में रिलीज़ नहीं किया गया है। इसके अभी तो जैसे कि इस रिपोर्ट के अनुसार आप देख पा रहे होंगे शायद मेरे ख्याल से, जो कि अभी जो है रिपोर्ट जो आपके सामने है, एंड ये 2024 के अर्ली में प्रीमियर बताया जा रहा है। ठीक है तो अभी थोड़ा चांसेस है, बट देखते हैं ये कहाँ तक काम पहुँचा है, कुछ ज़्यादा जानकारी इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है, बट जो निकल पा रहे हैं जो आपके सामने है। ठीक है तो देखते हैं इसके आगे में क्या है। अच्छा स्ट्राइक इसका हुआ था तो इस वजह से इफेक्ट पड़ा था इसका थोड़ा, एंड कास्टिंग की अब आप देख सकते हैं कास्टिंग की जो डिटेल है, सेम तो कास्टिंग रहेंगे, ये तो रिटर्न भी करेंगे, कुछ नए कास्ट मेंबर पे इंक्लूड हो सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट तो नहीं आए, ना ही क्रिटिकल रोल की तरफ से कुछ नया सुनने को मिला है, ना ही देखने को मिला है, ना ही पोस्टर वगैरह कुछ इसका आता पता नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट है फिलहाल वही बताया जा रहा है, अर्ली 2024 बताया जा रहा है फिलहाल, लेकिन पहले बताया जा रहा था जनवरी महीने तक आ जाएगा, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट देखते हैं। और प्री प्रोडक्शन का और टोटल प्रोडक्शन नहीं है, वेरी लॉन्गर आर्क है। अच्छा इस वजह से शायद टाइम लग रहा है, और जो ये तीसरा पार्ट है ये बहुत लंबा आर्क है और इस वजह से शायद लग रहा है, मेरे ख्याल से अच्छा माल फूकेंगे तो ही बन पाएगा मुझे लग रहा है, एंड देखते हैं इसको और क्या क्या है। अच्छा विल देयर थ्री, शायद मेरे ख्याल से तीन के साथ चार भी लाएंगे क्या यार, आर्टिकल्स तो यही दिखा रहे हैं। हाँ ला सकते हैं मेरे ख्याल से सीजन दो के साथ, सीजन तीन के साथ चार भी ला सकते हैं बैक टू बैक, जैसे पहले भी किया था सीज़न वन के बाद टू बन आन दिए थे, तो थोड़ा लंबा ज़्यादा लंबा इंतज़ार उसमें नहीं करना पड़ा था शायद मेरे ख्याल से, एंड वो जल्दी आ गया था दोनों सीज़न। ठीक है तो इस वजह से शायद सीज़न तीन के साथ एंड सीज़न चार भी ला सकते हैं, बट कुछ दिनों के गैप में आपको देखने को मिल सकते हैं, मैंने एक साल या छः महीने के गैप शायद हो सकता है, अगर दोनों साथ एक ही साथ में शूट कर रहे होंगे बना रहे हैं तो उसको साथ थोड़ा तो लंबा समय लगेगा ही, आप समझ सकते हैं। एंड अब देख लेते हैं और भी इसके बारे में, और जिस मोड पे एंडिंग किया था तो वो उसके बाद तो मैं एक्साइटेड हूँ अगला सीजन देखने के लिए, लेकिन अभी तक तो इसका पता नहीं है, जानते ही है। एंड क्रिटिकल रोल की तरफ से भी कुछ हिंट ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं वो जो प्रोडक्शन कंपनी है, ठीक है, और ना ही प्राइम वीडियो की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट करने को सुनने को मिल रहा है कुछ इसके बारे में ज़्यादा। अच्छा ठीक है इसके बारे में तो देख लिया हमने एंड देखते हैं दूसरा, जो कि कुछ आर्टिकल्स मैंने पहले से ही रिसर्च करके रखे हैं उनको देख लेते हैं, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स द सैंडमैन के बारे में है। ठीक है क्रिस फोर के बारे में भी
आपको अभी पता चल जाता है। सबसे पहले क्रिस फोर को देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी लोग एक्साइटेड रहते हैं क्रिस फोर, क्योंकि बॉलीवुड का ऐसा सुपर हीरो जो है ना हमारे दिल में बसता है, हमारे दिल में बसता है। और ये काफ़ी हमारे, चलिए भाई क्रिस फोर के बारे में क्या पता लगता है देखते हैं। के सोशल अच्छा स्टारकास्ट मैंने जो कि पिछले वीडियो में भी बता दिया था, और हृतिक रोशन रहने वाले ही हैं, साथ में हमारे प्रियंका चोपड़ा भी रहने हैं कास्ट मेंबर। एंड ये चीज़ पहले वीडियो में मैंने बता चुके हैं, उस वीडियो को नहीं देखा तो आप एंड जब एंडिंग हो गई है लाइव सेशन तब आपको मैं उधर देखने को मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे। और ऐसा भी सुनने में आया था मुझे, और दूसरे आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा भी था कि टाइम ट्रेवल इसके अंदर में होने वाला भी है, जो कि जादू को भी रिटर्न कर लाएगा। एंड इसमें जो इनका लड़का है, बच्चा भी हो चुका है जो कि बड़ा भी हो चुका है, उधर लास्ट में एंडिंग में देखने को मिला था वो सब केवस जो मचा हुआ है आगे। और पार्ट फोर के अंदर में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। एंड स्क्रिप्टिंग की बात करें तो कंप्लीट हो चुका है, जो कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ। एंड जो कास्टिंग वाला है ना वो प्री प्रोडक्शन वाला मामला में चल रहा है अभी फ़िलहाल। एंड कास्टिंग जो पूरी अच्छे से फाइनलाइज हो जाएगा तो ये रेडी हो जाएगा, देन आपको ये देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये उसके बाद ही आपको देखने को मिलने वाला है इसका, एंड शूटिंग देखने को मिलेगा, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, यानी कि आपको 2026 तक इंतजार करना पड़ेगा। अर्ली में आपको शायद देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी यही है, ठीक है। अभी फ़िलहाल में जो मुझे पता चला है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड अभी इसको पैक करते हैं, जो कि मैंने पहले भी प्रिपरेशन कर चुका है, इसके बारे में रिसर्च कर चुका हूँ, इसलिए आसानी से मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में। हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स से काफ़ी सारे फोटो सेट फोटोस लीक हुए हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, चलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। एंड चलते हैं पहले स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में देख लेते हैं आर्टिकल्स, जो कि नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल साइट से मैंने अभी दिखा रहा हूँ। एंड इनके बारे में भी जो कास्ट मेंबर है, फिल्मिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और ये स्टार्ट हो चुका है कास्ट मेंबर, ये वाला फ़ोटो मैंने दिखाया था, क्योंकि पिछले वीडियो में मेरे जो है वो तो देख ही चुके होंगे आप। एंड इसी के साथ में कुछ फ़ोटोज़ भी आ रहे हैं जो कि इनके इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किए जा रहे हैं। एंड रुकिए हम दिखाते हैं नए फ़ोटोज़ इनके, अच्छा एपिसोड आपको तो उतने ही देखने को मिलेंगे 8, लेकिन ये लंबा एपिसोड होगा जो कि पास्ट के वीडियोस में भी मैंने बताया था। एंड ये फोटो उनके तरफ से आया है, इस फोटो को थोड़ा जूम करते हैं। अच्छा एपिसोड 501 चैप्टर 1, अच्छा ये भी आपको दो भागों में देखने को मिलेगा इनका। एंड कास्ट मेंबर भी देखने को मिलेगा, कुछ फोटोज़ भी इनके दिखाने वाला हूँ आपको जो कि सेट पिक्चर्स है, ठीक है। अच्छा
अगर अभी तक आपको देखने को नहीं मिला स्क्रीन पे मैं जो अभी देख रहा हूँ, तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मैं कमेंट पढ़ने की भी कोशिश करूँगा। ये मेरे ख्याल से पब्लिक है, हाँ पब्लिक है, चल रहा है लाइव। एंड मैं आर्टिकल्स के अंदर में जो मैंने फोटो दिखाने के बाद कहा था वो भी दिखा दे रहा हूँ। चलते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे इनके। यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा यार, क्लिक हो जाए यार। एंड ये लाइव आपको शायद दिख रहा होगा, इनके पेज पे आ चुका हूँ। एंड ये भी नेटफ्लिक्स के ही है, इनके सेट पिक्चर्स ये भी रहे जो कि मैं बात कर रहा था। एंड 4 हफ्तों का ये दिखाया जा रहा है, ये फोटो आपको सेट पिक्चर्स के अंदर देखने को मिला है। अगर इनके प्रोफाइल पे नहीं देखने हैं तो मैं और भी दिखा रहा हूँ जो कि ऑफिशियल साइट इनके जो स्ट्रेंजर थिंग्स के हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये पिक्चर्स भी इनके ऑफिशियल जो है वहाँ से निकल के आए हैं, ये देख सकते हैं। सेट पिक्चर्स निकल के आ रहे, काफ़ी सारे आ रहे हैं सेट पिक्चर्स अभी देखने को मिले। और ये जो फोटो है इससे काफ़ी हमको अंदाज़ा लग रहा है कि ये जो ये करेक्टर है, खासकर ये लेटी हुई है जो करेक्टर, नाम इनका थोड़ा भूल गया हूँ, तो काफ़ी दिन हो गए देखे हुए। तो इन मोहतरमा जो है अभी मरने वाली नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो इनको मारने का प्लान नहीं है, किसी और को मारेंगे मुझे लगता है। जो डायरेक्टर हैं वो किसी और को ही मारेंगे, बट किसको मारेंगे वो इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। क्योंकि हमने देखा था जो एंडिंग में उस टाइम में सीजन 4 के अंदर में, उसमें हमने देखा था कि ये मरते मरते बची है और इसमें अभी तो फिलहाल नहीं मरी है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होता है इनके साथ में। तो मैं लाइव हूँ ना, हाँ। तो जैसे कि मैंने बताया था काफ़ी सारे सेट पिक्चर्स हैं, ये भी उनके तरफ से आया है। और ये स्टार्टिंग डेज में हुआ आया था जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था, उस वक्त ये फ़ोटो आया था जो कि मैंने वीडियो के अंदर में दिखाया था अभी आपको। यानी काफ़ी सारे फ़ोटोस आ रहे हैं। और अवतार द एयर बेंडर भी आ चुका है, उसका सीजन 2 एंड सीजन 3 का अनाउंसमेंट हो चुका है। और देख सकते हैं अवतार द लास्ट एयर बेंडर के हम प्रोफाइल पर जाते हैं, जो कि ऑफिशियल इनका नेटफ्लिक्स की तरफ से जो इनका पेज है उनके तरफ से ये उनका जो पेज है उनके पेज पे आ चुके हैं। एंड इनका अनाउंसमेंट भी हो चुका है सीजन 3 और 2 के लिए। एंड देख सकते हैं ये ऑफिशियल इनका आ चुका है,
जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करता रहता हूँ, तो जितने भी अपडेट होते हैं ना मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर देता हूँ, उधर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा जो इनके अपडेट मिले थे, मैंने ये इंस्टेजेंट थिंग्स के बारे में मैंने बता दिया, जो कि इस पेज को फॉलो कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी अपडेट आते हैं मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। हालांकि यहाँ पे बहुत एक्टिव नहीं हूँ काफ़ी दिनों से, जो कि जैसे कि आप जानते हैं एक महीने से मैं एक ही वीडियो डाल पाया हूँ अभी तक फ़िलहाल में, और 3 हफ्ते हो गए हैं एक भी वीडियो नहीं डाला हूँ। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू वीडियो डालूँ, बट डाल नहीं पा रहा हूँ, जो कि कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से नहीं डाल पा रहा हूँ। ठीक है, ये 2 अपडेट तो 3 अपडेट दे दिए मैंने, और इस पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाले वक्त में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जो मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एंड अब चलते हैं अगले अपडेट के तरफ से, तो फिलहाल इसको साइड में करते हैं और इसको ऑन करते हैं। देखते हैं, क्रिस पॉल के बारे में मैंने बता दिया, द लेजेंड ऑफ बॉक्स मकीना के बारे में बता दिया मैंने, एंड साथ में अब वन पंच मैन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, 2-3 साल तो गायब ही थी ये, एकदम से गायब थे, एंड उसके बाद से हमें पता चला है कि हाँ अब हाँ हम है यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद अपडेट में काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका था, बट कुछ नहीं नया था ज़्यादा कुछ, बस कुछ नए नए रिपोर्ट आए थे उसके बेसिस पे मैंने बताया था, बट फिलहाल अभी जो जितने रिपोर्ट आए हैं और अब ऑफिशियल ही अनाउंस कर दिया गया है सीजन 3 के बारे में, एक ट्रेलर ड्रॉप किया गया है, तो चलिए हम देखते हैं उस ट्रेलर के बारे में, देखते हैं क्या उसमें नया है, एंड कौन सी स्टूडियो जो बना रहा था वो भी कंफ्यूजन था हमको, एंड आपको भी था, मापा बना रहा था काफ़ी हंगामा हुआ था, एंड देखते हैं इस बार कौन सा स्टूडियो है, जो कि मुझे तो पता है फिलहाल आपको भी देखना चाहिए। चलिए देखते हैं वन पंच मैन सीजन 3 के बारे में। सबसे पहले मैं यूट्यूब निकाल लेता हूँ, एंड उनका ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, यूट्यूब कहाँ है भाई, आ गया, एंड चलिए हम देखते हैं सबसे पहले वन पंच मैन सीजन 3 के बारे में। तो वन पंच मैन सीजन 3 की ट्रेलर देख लेते हैं, और शायद आपको दिख रहा है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रेलर को, फिलहाल तो मुझे सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैं माइक कनेक्ट करके रखा है, इस वजह से तो मुझे सुनाई नहीं देगा, बट आपको तो सुनाई देना चाहिए मुझे मेरे ख्याल से। तो देखते हैं ट्रेलर्स, कौन सा स्टूडियो बना रहा है वो भी देख लेते हैं। स्टूडियो वही पुराना स्टूडियो है, जो कि इस बार उम्मीद करते हैं अच्छा बनाएगा, ये सीजन 2 में तो हग ही दिया था, बट काम चलाओ था यार, इस बार भी कुछ अच्छा कर दे उम्मीद करते हैं, क्योंकि पुराने ही स्टूडियो जो है वो बना रहे हैं। देखते हैं वही स्टूडियो किस कैसा बनाता है यार, देखते हैं हम, क्योंकि पुराना जो हमारा वन पंच मैन था सीजन 2, उसमें थोड़ा हक दिया था एनिमेशन के मामले में, और यहाँ पर भी थोड़ा हक दिया है, क्योंकि इस फ्रेम को हम देखते हैं थोड़ा सा पीछे करके, एंड इस फ्रेम को देखिए, यहाँ पे बंदा हाफ रहे, इसके बालों पे थोड़ा बहुत हिलना चाहिए, वो मिस्टेक कर दिया यहाँ पर इन्होंने, एंड ये चीज़ हमें थोड़ा समझ में आ रहा है,
यानी एनिमेशन के मामले में थोड़ा ये हक रहे हैं। एंड वहाँ पर थोड़ा बाल तो हिलना चाहिए यार, 2D एनिमेशन टाइप से कर रहे हैं थोड़ा, ये थोड़ा सा ही यार। देखते हैं इस ट्रेलर को और और ये किस तारीख को आएगा ये भी देखने को मिल जाएगा यहीं पे हमें, वन पंच मैन सीजन 3। एंड कब तक आएगा यार, हाइप तो इसके डो भी चुकी थी पहले ही, ये उम्मीद चका दी है ट्रेलर डार्क डालकर, तो देखते हैं कब तक आएगा यार, कोई डेट तो सामने दिखा दो यार। मोशन पोस्टर्स यार नहीं है यार, कोई डेट अभी तक दिखाया नहीं यार, कब तक आएगा यार। मेरे ख्याल से इसका सीजन 3 जो है, आपको ये प्रोडक्शन अभी स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो ये थोड़ा लंबा खींचने वाला है। 2026 कहीं नहीं गया है, 2026 से पहले देखने को उम्मीद मत रखिएगा। ट्रेलर ड्रॉप कर दिए हैं तो फिलहाल प्री प्रोडक्शन में तो इनको वक्त लगने वाला ही है, तो सीधे से बात है काफ़ी लंबा समय लगेगा। एंड अब देखते हैं अवतार द लास्ट एयरबेंडर भी हमने बता दिया है आपको, ये ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है। एंड द लेजेंड ऑफ वॉक्स मकीना भी बता दिया हमने। वेडनेसडे सीजन 2 के बारे में बात नहीं किया अभी फिलहाल, तो इसके बारे में रिसर्च कर लेते हैं। चलिए वो क्या रहा है, स्ट्रीमिंग रुक गया है या क्या, फ्रीज हो गया कि यार लगता है मुझे। कुछ गड़बड़ हो तो बताना यार, एंड अभी तक तो कुछ नहीं ऐसा मिला यार। ये मेरा फोटो यहाँ पे रुक क्यों गया, फ्रीज क्यों हो गया यार, लगता है पुअर नेटवर्क के कारण हुआ है भाई। आवाज तो देना चाहिए यार, आवाज सुनाई देने से तो हो जाएगा मेरे भाई। तो सबसे पहले चलते हैं वेडनेसडे सीजन 2 के बारे में भी जान लेते हैं। एंड OTT वीडियो जल्द ही आने वाला है, क्योंकि वहां पे मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, ऑडियो एडिटिंग पे भी काम हो रहा है। एंड उसके बाद भी वीडियो एडिटिंग काम होगा, उसके बाद आपको फाइनलाइज हो जाएगा, तो देन आपको कुछ दिनों में वो भी OTT वीडियोस देखने को मिल जाएगा। मैं सोच रहा था लाइव के अंदर ही इंक्लूड कर दूँ, बट मैंने सोचा कि ना अलग से उसके बारे में बताए, क्योंकि वो सेपरेट टॉपिक है। एंड लाइव के अंदर में कुछ टॉपिक्स ही कवर कर लेते हैं। इसको पैक कर लेते हैं। चलिए अब वेडनेसडे सीजन 2 के बारे में जान लेते हैं। और गूगल का ChatGPT बता रहा है कि अर्ली मिड 2025 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी प्रोडक्शन शेड्यूल मई से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, यानी कि ये बताया जा रहा है मई से स्टार्ट होगा, यानी कि इसी साल के। और आस
फरवरी एंड नेक्स्ट सीजन टू एक्सपेक्टेड द रिलीज इन मिड 2025। मैंने बताया ना आपको 2025 के मिड तक ये आपको रिलीज हो सकता है। इन द प्रोडक्शन शेड्यूल मई मार्च, अच्छा मई से इसका जो प्रोडक्शन है स्टार्ट होगा, तो आप उम्मीद कीजिएगा 2025 के मिड तक ही देखने को मिलेगा जो जैसे कि ये बताया जा रहा है। एंड बाकी रिपोर्ट देखते हैं, ये कितने तारीख है, 5 फरवरी, एंड नए रिपोर्ट भी आए हैं कि नहीं देखते हैं। न्यूज़ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं। तो भाई कितने दिनों के, 1 महीना पहले का है ये उतना ट्रस्टेड नहीं है वेबसाइट। हाँ इस पे भरोसा कर सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर है इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार। देखते हैं क्या है खबर। ये क्या है भाई, ये तो किसी और ही सीरीज के बारे में है ना। सीजन टू प्रीमियर नेक्स्ट 6 मार्च। ये क्या चल रहा है यार, मेरे ख्याल से तो ना ये किसी और शो के बारे में ही है, बट इसको देखते हैं बिजनेस इंसाइडर को। इसके 2 हफ्ते पहले की खबर है, तो ये 2 हफ्ते पहले क्या खबर था देखते हैं। ई न्यूज़ पोस्टपोन्ड 2020, वो बीच में पोस्टपोन्ड हुआ था जो कि स्ट्राइक हुआ था उसकी वजह से शायद। और इसका तो प्रोडक्शन मई तक स्टार्ट होगा, तो काफी लंबा समय यार प्रोडक्शन स्टार्ट होने में बताया जा रहा है। देखते हैं हॉलीवुड रिपोर्टर में इंटरव्यू फ्रॉम, देखते हैं इसमें क्या आता है, कुछ नया ट्रस्टेड कुछ मिल जाए हमारे सामने, कुछ अच्छा देखने को मिला तो अच्छी बात रहेगी। देखते हैं अपडेट्स क्या निकल के आते हैं। और स्माइल स्माइल मूवी के बारे में क्या यार, कुछ खास नहीं है वाला, बट देखते हैं सर्च करके प्रोडक्शन कब तक स्टार्ट होगा।
कुछ नया आया, प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था, प्रोडक्शन डिले हो गया था स्ट्राइक के वजह से, तो ये 2024 में स्टार्ट होगा। एंड ये 2024 में स्टार्ट होगा तो कब तक स्टार्ट हुआ है और ये क्या बता रहा है देखते हैं। 13 नवंबर वैरायटी वाले ने बताया, अप्रैल से बताया जा रहा है 2024 के, यानी कि अभी तो टाइम है, तो यानी कि अब इसमें अप्रैल बताया जा रहा है। लेकिन गूगल का जो चैट जीपीटी है वो बताया जा रहा है मई से बता रहा है, तो इसी के आसपास में स्टार्ट हो जाता है तो ठीक है। बट अभी जितना ऑफिशियल अभी बाकी है नेटफ्लिक्स की तरफ से पता चल जाता है मुझे, तो मैं आगे अपडेट कर दूंगा। बट अभी मई के और अप्रैल के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि कैसे, जैसे कि आपको पीछे स्ट्राइक भी होता उस वजह से जितने आर्टिकल्स आ रहे हैं कि वो उसके अनुसार बताया जा रहा है हॉलीवुड स्ट्राइक्स 2025 तक उम्मीद कर सकते हैं कि जो आप मिड तक ये रिलीज़ होने का, ठीक है। और ये जितना रिकास्टिंग है आप देख सकते हैं, मेंबर कास्ट जेना ओटेका रहेंगी और काफ़ी सारे कास्ट मेंबर हैं, देख सकते हैं आप। आपको शायद स्क्रीन शो कर रहा होगा, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, तो क्योंकि व्यूअर्स तो अभी नहीं है मेरे पास, नहीं लाइव के ये दौरान में अभी आप एक भी व्यूअर्स नहीं है, तो मुझे कोई फीडबैक या सजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मुझे तो पता नहीं है, आई डोंट नो, क्योंकि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे फीडबैक देने वाला अभी लाइव के दौरान में कोई नहीं है। मुझे काम है जो अपडेट देना है, अपडेट दे रहा हूँ, एक ऐसी बात है। फिलहाल तो यही अपडेट है। एंड अप्रैल से फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगा वेडनेसडे सीजन 2 का। एंड जो अप्रैल, आप उम्मीद कीजिए अप्रैल से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी मार्च चल रहा है और कुछ ही दिन है और नेटफ्लिक्स की तरफ से अनाउंसमेंट हो जाता है, तो अच्छी बात है, मैं आगे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो जनवरी का एक इकोनॉमिक्स टाइम की तरफ से रिपोर्ट आया है, चलिए देखते हैं। इसके बाद नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पर भी जाएंगे, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इसके परफॉर्मेंस के बारे में दिया गया है, कितना वर्ष टाइम हुआ है और भी है, कितना बिलियन क्रॉस किया है, रिकॉर्ड हिस्ट्री दिखा रहा है ये स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में, और वेडनेसडे कितना रिकॉर्ड तोड़ पाया है वो बता रहे परफॉर्मेंस। 91 डेज में टॉप 10 के लिस्ट में आया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया यार, काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है। व्यूअरशिप मामले में एंड कास्टिंग के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, वेडनेसडे सीजन 2 के बारे में देखने को मिल रहा है यहाँ पे कास्टिंग की लिस्ट, ये यहाँ पे
पर भी दिखाए जा रहे हैं, और हमें प्रोडक्शन का भी स्टार्ट होगा अप्रैल, इस रिपोर्ट के अनुसार भी अप्रैल ही बताया जा रहा है। एंड प्रोडक्शन जो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है तो अच्छी बात है। एंड यहाँ पर भी आपको मिड 2025 रिलीज ही बताया गया है, नए रिपोर्ट के अनुसार में भी यही चीज़ बताया जा रहा है। और जितने हमको पता है, बट जो मुझे यहाँ आर्टिकल्स के द्वारा दिखाई दे रहा है एंड आपको शायद दिख रहा है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जो अभी आ रहा है रिपोर्ट वही बता रहा हूँ। ठीक है, एंड चलते हैं अब नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पे एंड टूडू मूव वाले वेबसाइट पे। तो यहाँ पे क्या पब्लिश करा गया है देखते हैं, इसका डेट मुझे नहीं पता अभी फिलहाल, डेट देख लेते हैं कितने तारीख का ये पब्लिश किया हुआ है एंड उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, हाँ ये 22 जनवरी 2024 का पब्लिश किया गया है ये आर्टिकल टूडू मूव वाले नेटफ्लिक्स वेबसाइट पे। तो यहाँ पे क्या खबरें हैं, अच्छा ये ट्वीट भी किया गया था, क्या है इसमें, वीडियो देखते हैं। कमिंग लकी यू, मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको दिख रहा होगा। अच्छा ये स्टेज के पे सीजन 2 का भी अनाउंस किया गया था शायद, देखते हैं आगे और क्या है। यार चलने यार, इसमें क्या देखने को मिलता है, और कुछ नहीं, सीजन 2 का अनाउंसमेंट वीडियो था। कास्टिंग सीजन 2 का भी दिया गया है एंड आपको दिख रहा होगा शायद मेरे ख्याल से। अच्छा जैसे कि वहाँ पर भी हमने देखा था ये चीज़ को, तो मैंने अभी जितना अपडेट था वो मैंने दिया है और देख लेते हैं क्या बाकी है। हमने अवतार द लास्ट ईयर बेंडर के जो कि सीजन 2 और 3 के भी अनाउंस कर दिया गया है साथ में, एंड वेडनेसडे जो कि अभी बताया जा रहा है आपको 2025 के मिड तक आएगा। ठीक है, रिवाइंड करते रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, दोहरा दे रहा हूँ। और वन पंच मैन का सीजन 3 का ट्रेलर एक ड्रॉप किया गया हाइप क्रिएट करने के लिए, बट इसका जो ट्रेलर ड्रॉप किया है लेकिन उसमें ऐसा कुछ डेट वो मेंशन नहीं किया गया है। और इनका जो स्टूडियो है मापा स्टूडियो, पहले हंगामा मचा था पूरा कि इस ये स्टूडियो बना रहे हैं, मापा बना रहा है, ये बना रहा है फलाना ढिमकाना, लेकिन जो पुराना स्टूडियो है वही बना रहा है सेम। बट देखते थोड़ा उम्मीद लगा सकते, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना,
क्योंकि वो पुराना हक देगा या कुछ भी और भी कर सकता है, क्योंकि पुराने सीजन के साथ में किया है सीजन तो के साथ में, ठीक है। तो देखते हैं, अच्छा बना दे होपफुली, उसको अच्छा कर सकते हैं और कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा मेरे ख्याल से। और द लेजेंड ऑफ वॉक्स मकीना के बारे में, जैसे कि मैंने बताया, क्रिटिकल रोल एंड अमेजोन प्राइम की तरफ से कुछ नहीं सुनने को मिला है फिलहाल, और जो कि अभी तक बुरी खबर है, ठीक है, और ना ही फोटो एंड कोई आर्टिकल्स भी नहीं देखने। तो आर्टिकल्स कुछ छोड़ो, खुद स्टूडियो की तरफ से कुछ नहीं सुनने को मिला है। क्रिस 4 के बारे में अपडेट मिला था, टाइम ट्रेवलिंग इसमें होने वाला है और पास्ट के कहानी से भी जोड़ेंगे और नई कहानी को भी बिल्ड करेंगे, जादू को भी रिटर्न करेंगे और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। तो वो आगे और भी पता चलता है। एंड प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन तो इसमें शामिल ही है, एंड उसके बाद और भी नए कास्ट मेंबर इंक्लूड होने वाले हैं, ठीक है। तो अब शायद द सैंडमैन सीजन 2 के बारी है और द बॉयज़ की, तो द बॉयज़ जो कि है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, एंड ऑफिशियल अनाउंस कर दिया गया है डेट, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एंड पोस्टर भी ड्रॉप किया गया था जो कि मैंने अपने जो यूट्यूब है उस पर पब्लिश कर दिया था मैंने कम्युनिटी पोस्ट में, तो आपको दिखा दे रहा हूँ। एंड ये पोस्टर आपको शायद दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। 13 जून को आ रहा है ये हमारा द बॉयज, और इससे मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जिस तरह से एंडिंग हुआ था और जेनवी सीरीज़ का, उसके बाद से मुझे तो केवस मचा हुआ है मेरे अंदर, क्योंकि लास्ट में एंडिंग में जो लोग जेनवी सीरीज़ नहीं देखा है उनके लिए स्पॉइलर है, ठीक है। वो लास्ट में एंडिंग में जो बनाया था वो वायरस, हाँ, तो उस वायरस के कारण अब वो कैसे पहुंचता है बॉयज के पास में, यानी कि बुच्चर के पास में, और वो पहुंचने के बाद किस तरह से उसको पता लगता है और किस तरह से वो यूज़ करता है होमलैंडर को मारने के लिए, वो सोच सोच के मैं पागल हो जा रहा हूँ। और 13 जून काफ़ी दिन है अभी फ़िलहाल, तो देखते हैं कितनी जद इसके बारे में किस तरह से मार पाएगा बुच्चर होमलैंडर को। तो अब बात कर लेते हैं द सैंडमैन के बारे में, क्योंकि 48 मिनट्स हो गए अभी कोई मुझे देखने नहीं आया, बट एंडिंग करूँगा। काफ़ी सारे अपडेट थे, मैंने बताना ज़रूरी था, और काफ़ी दिनों से मैं लाइव भी नहीं आया था, ना ही मैं कोई अपडेट वीडियो बना पा रहा था। तो चलते हैं द सैंडमैन सीजन 2 के बारे में जान लेते हैं, बस ये लास्ट अपडेट है। चलते हैं, पहले अपडेट निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका भी लापता है कोई, काफ़ी दिनों से इसका अपडेट भी नहीं मिल पा रहा था, तो चलिए देखते हैं। एंड इसके बारे में मैं कुछ बना नहीं पा रहा था, कुछ नया अपडेट भी नहीं आया था। एंड गूगल का चैट जीपीटी के देखते हैं एआई वाला, तो ये क्या बोल रहा है।
एंड जो इसका जो फर्स्ट हाफ है इसका शूटिंग हो चुका है, बट सेकेंड हाफ जो स्टार्ट हो चुका है, जो रुक गया था स्ट्राइक की वजह से, एंड वो अभी फाइनली स्टार्ट हो चुका है प्रोडक्शन। ठीक है, तो शूटिंग चल रहा था, बीच में ड्रॉप करना पड़ा था स्ट्राइक के कारण, स्ट्राइक के कारण रुक गया था, बट अब फर्स्ट हाफ 2025 अच्छा रिलीज हो सकता है 2025 के फर्स्ट हाफ में। तो यानी कि आप उम्मीद कीजिए कि टाइम है, काफ़ी दिन है, इंतज़ार कीजिए, बट देखते हैं। और ये कितना तारीख के पब्लिश है, नवंबर के, कुछ नए रिपोर्ट आए हैं। नया तो नहीं है, बस अक्टूबर दिसंबर का देखते हैं, ये रिपोर्ट को देखते हैं दिसंबर, क्योंकि नया रिपोर्ट तो नहीं है और मैंने काफ़ी दिनों से इसके बारे में बात भी नहीं किया, अपडेट भी नहीं देखा था मैंने, तो देखते हैं इसके ऊपर क्या अपडेट है। ये कुछ खास तो अपडेट नहीं है इसके ऊपर, जितना मुझे लग रहा है कि ये 2025 के फर्स्ट हाफ में आएगा, ये इतना तो लग रहा है मुझे, क्योंकि प्रोडक्शन जो फर्स्ट हाफ था इसका शूटिंग वो कंप्लीट हो चुका है, एंड सेकेंड हाफ जो शूटिंग था मैंने रिसर्च करा था पहले भी, तो वो बताया जा रहा है कि सेकेंड हाफ जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मैं दिखा दे रहा हूँ। सेंडमेंट के बाद इस रिपोर्ट में मैंने पहले से करके रखा है और ये काफ़ी भरोसेमंद है, जो कि इसका पिक्चर्स भी लॉन्च किया गया था, देख सकते हैं आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा हो तो, ये पोस्टर देखने को मिल रहा होगा, ये इस इमेज के दौरान आपको पता भी चल जाएगा, अगर इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, साफ साफ लिखा है कि सेकेंड हाफ जो स्टार्ट हो चुका है, एंड कास्टिंग की देख लेते हैं, तो कास्टिंग अभी जो बताया जा रहा है देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो, तो इसका स्पिन ऑफ सीरीज जो कि लूसीफर वाला 2016 से 2021 तक चला था, एंड काफ़ी हिट भी था वो शो, स्पिन ऑफ की फिलहाल तो और कुछ नहीं है सर, ज़्यादा इसके ऊपर कुछ खास अपडेट नहीं है। अगर पसंद आया तो ये स्ट्रीमिंग लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड काफ़ी कुछ अपडेट मुझे देना था, एंड एक घंटे होने वाले हैं लगभग, काफ़ी कुछ ही समय बाकी है, बट मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से मैं एक सेकेंड तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था लाइव स्ट्रीम करूं और सारे अपडेट एक ही बार में दे दूं, क्योंकि मुझे समय नहीं रहता एडिटिंग करने का, और तो सोचा मैंने लाइव ही आके सारे अपडेट्स दे देता हूं, तो वही इसी बात पे मैंने लाइव स्ट्रीम करा था, एंड पर्पस था जो भी अपडेट मुझे मिला है वो आपको पहुँचा दूँ। ठीक है, इसी वजह से मैंने ये लाइव स्ट्रीम किया था, और जितने अपडेट मुझे मिले थे मैंने बता दिया। पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड जितने और मुझे भी 40 से 500 सब्सक्राइबर करवाने हैं यार, आप करवा सकते हैं, एंड आप करवा दे तो अच्छा होगा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया होगा, एंड आपको धन्यवाद। एंड मेरे स्पेशल डे पे मैंने इस स्ट्रीमिंग को सोचा था, तो इसके लिए जो भी था, आप कोई नहीं आए तो मैंने सोचा अपडेट ही स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि इतना देर वेट करता तो मैं अभी स्ट्रीमिंग ख़त्म नहीं कर पाता। चलिए, जो स्ट्रीमिंग है आप बाद भी देख सकते हैं, बट
मैं एंडिंग करता हूँ इस स्ट्रीमिंग को। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।